हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस. आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन प्रॉपर्टी एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली बोसॉन्स, फर्मियंस. स्पिन प्रॉपर्टी के बेसिस पर, स्पिन के बेसिस पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को जो है दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है. एक है बोसॉन्स और दूसरा है फर्मियंस. सबसे पहले आता है बोसॉन्स. Bosons are the particles having integral spin and follows Bose Einstein statistics. Bosons जो है उस particle को कहेंगे जिसका spin जो है वो integral होगा, यानी कि integer होगा 0, 1, 2, so on, और वो जो है Bose Einstein statistics को follow करता है. Bosons are further classified into two types, namely massless bosons and mesons. ठीक है, bosons को two type में classify किया है. एक है massless bosons और दूसरा है मीजन्स. तो सबसे पहले आता है मासलेस बोसॉन्स. मासलेस बोसॉन्स इंक्लूड फोटोन्स एंड ग्रेविटन्स. मासलेस बोसॉन्स में जो है फोटोन्स और ग्रेविटन्स आता है जिसका मास जो है वो जीरो होगा. तो सबसे पहले आता है फोटोन्स. फोटोन्स आर क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. फोटोन्स को जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वांटम कहते हैं. दे आर मासलेस, उसका कोई मास नहीं होता, इसलिए वो मासलेस बोसॉन्स में आता है. एंड चार्जलेस पार्टिकल, और फोटोन्स का कोई चार्ज भी नहीं होता. एंड हैव स्पिन वन, और फोटोन्स का जो स्पिन है वो वन होता है, जो कि इंटीजर है. फिर उसके बाद आता है ग्रेविटन्स. ग्रेविटन्स आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटन्स जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नो ग्रेविटन्स आर डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली सो फार. लेकिन जो ग्रेविटन्स है उसका एक्सपेरिमेंटली अभी तक डिटेक्शन नहीं हुआ है. ग्रेविटन्स आर मासलेस, ग्रेविटन्स का कोई मास नहीं होता है. चार्जलेस पार्टिकल्स, और उसका कोई चार्ज भी नहीं होता है. Having spin 2, और उसका जो spin है वो 2 होता है. Both photons and gravitons are considered to be antiparticles of themselves. और photons और gravitons को जो है खुद का antiparticles consider करते हैं. यानी कि photons का antiparticle photons होगा और gravitons का antiparticle gravitons होगा. फिर उसके बाद आता है मीजन्स. मीजन्स भी जो है बोसॉन्स का टाइप है. मीजन्स आर स्ट्रांगली इंटरैक्टिंग जीरो स्पिन पार्टिकल. मीजन्स जो है वो स्ट्रांगली इंटरैक्टिंग जीरो स्पिन पार्टिकल है जिसका स्पिन जीरो होता है. मीजन्स ओ देयर एग्जिस्टेंस टू कॉस्मिक रेज, और मीजन जो है वो कॉस्मिक रेज में एग्जिस्ट करता है. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर पाई मीजन्स, ईटा मीजन्स एंड के मीजन्स. मीजन्स जो है वो भी फर्दर तीन टाइप्स का होता है, पाई मीजन्स, ईटा मीजन्स और के मीजन्स. और मीजन्स का जो है, मीजन्स जो है वो मासलेस नहीं होगा, उसका कोई मास होगा. तो सबसे पहले आता है पाई मीजन्स. पाई मीजन्स आर आल्सो कॉल्ड पायंस. पाई मीजन्स को जो है वो पायंस भी कहा जाता है. पाई मीजन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई नॉट मीजन्स. पाई मीजन्स जो है वो तीन टाइप का होता है. एक है पाई पॉजिटिव, दूसरा है पाई नेगेटिव और पाई नॉट मीजन्स. The antiparticle of pi naught is itself. Pi naught mesons का antiparticle जो है वो pi naught ही है. Pi negative is the antiparticle of pi positive. और जो pi negative meson है वो antiparticle है pi positive meson का. फिर उसके बाद आता है k mesons. K mesons are also called counts. और k mesons को जो है counts भी कहा जाता है. के मीजन्स आर ऑफ फोर टाइप्स, और जो के मीजन्स है वो चार टाइप्स का होता है. द फोर टाइप्स ऑफ के मीजन्स आर, जो के मीजन्स का फोर टाइप है वो है के पॉजिटिव मीजन, के नेगेटिव मीजन, के नॉट मीजन और के नॉट बार मीजन. तो के नेगेटिव जो है वो के पॉजिटिव मीजन का एंटी पार्टिकल है. के नॉट बार मीजन जो है वो के नॉट मीजन का एंटी पार्टिकल है. फिर उसके बाद आता है ईटा मीजन्स. ईटा मीजन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल. ईटा नॉट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इट सेल्फ.
ठीक है, ईटा मीजन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है. ईटा मीजन्स में ईटा नॉट मीजन आता है जो कि खुद का एंटी पार्टिकल है. फिर उसके बाद आता है फर्मियंस जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स का दूसरा टाइप है. फर्मियंस आर द पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंट्रीगल स्पिन एंड फॉलोज फर्मीडायरिक स्टैटिस्टिक्स. फर्मियंस जो है वो पार्टिकल्स है जिसका स्पिन जो है वो हाफ होता है. हाफ का एफ है तो एफ से हम रिमेंबर कर सकते हैं जिस पार्टिकल का स्पिन हाफ होगा उसको हम कहते हैं फर्मियंस, और वो जो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है. फर्मियंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली लेप्टन्स एंड बारियंस. फर्मियंस को जो है फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक है लेप्टन्स और दूसरा है बारियंस. तो सबसे पहले आता है लेप्टन्स. लेप्टन्स आर लाइट पार्टिकल हैविंग स्पिन हाफ. लेप्टन्स जो है वो लाइट पार्टिकल्स है जिसका स्पिन जो है वो हाफ होता है. The member of this group are electrons and positrons, positive and negative muons, and neutrino and antineutrino. और इस group का member जो है वो होता है electrons, positrons, positive और negative muons, और neutrino और antineutrino. तो सबसे पहले आता है electrons and positrons. Electrons are negatively charged, stable atomic particles. हमें पता है जो electrons है वो negative चार्ज होता है और वो एटम में प्रेजेंट होता है और वो जो है स्टेबल होता है. द पॉजिट्रॉन्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज. और जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से सेम है एक ही बात को छोड़ के कि वो जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. पॉजिट्रॉन्स आर एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स का एंटी पार्टिकल है. फिर उसके बाद जो है म्यूऑन्स आता है. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव म्यू पार्टिकल्स, दैट इज म्यू पॉजिटिव एंड म्यू नेगेटिव, आर कॉल्ड म्यूऑन्स. जो पॉजिटिव और नेगेटिव म्यू पार्टिकल्स होता है, यानी कि म्यू पॉजिटिव और म्यू नेगेटिव को हम जो है म्यूऑन्स कहते हैं. म्यूऑन इज एन अनस्टेबल पार्टिकल. म्यूऑन जो है वो एक अनस्टेबल पार्टिकल है एंड सून डीकेस, और वो अनस्टेबल है तो वो जो है जल्दी डीके हो जाता है. फिर उसके बाद आता है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो. दीज पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल रेस्ट मास एंड जीरो चार्ज. न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का जो है क्या होता है, रेस्ट मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है, जीरो के बराबर होता है और उस पर कोई चार्ज भी नहीं होता. और न्यूट्रिनो को हम न्यू से डिनोट करते हैं, एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार से डिनोट करते हैं. फिर उसके बाद आता है बारियंस. बारियंस आर द पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूक्लियंस. बारियंस जो है वो भी फर्मियंस है, वो भी पार्टिकल्स है जिसका रेस्ट मास जो है वो न्यूक्लियंस के बराबर होगा, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से ज्यादा होगा. बारियंस आर फर्मियंस विद हाफ इंट्रीगल स्पिन, दैट इज हाफ और 3/2 एक्सेट्रा. बारियंस जो है वो फर्मियंस है. फर्मियंस मीन्स उसका जो स्पिन है वो हाफ होगा. हाफ मीन्स 1/2 या 3/2 एक्सेट्रा होगा. बारियंस इंक्लूड न्यूक्लियंस एंड हाइपरॉन्स. और बारियंस के अंदर जो है न्यूक्लियंस आता है और हाइपरॉन्स आता है. बारियंस एंड मीजंस आर टुगेदर कॉल हैड्रॉन्स. और बारियंस और मीजंस को हम टुगेदर क्या कहते हैं, हैड्रॉन्स कहते हैं. बार और मी टुगेदर क्या कहते हैं, हैड्रॉन्स. बारियंस और मीजंस को हम जो है जब दोनों को कंसिडर करते हैं तो उसको हम कहते हैं हैड्रॉन्स. तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियंस. न्यूक्लियंस इंक्लूड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड देयर एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन्स एंड एंटी न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियंस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आता है और उसका जो एंटी पार्टिकल है एंटी प्रोटॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन्स. बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव स्पिन 1/2, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का स्पिन जो है वो हाफ होता है. फिर उसके बाद आता है हाइपरॉन्स. दीज आर द पार्टिकल्स हैविंग रेस्ट मास ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूक्लियंस. हाइपरॉन्स का जो रेस्ट मास है वो जो है ज़्यादा होता है न्यूक्लियन से. हाइपरॉन्स इंक्लूड लैम्डा पार्टिकल. हाइपरॉन्स में लैम्डा पार्टिकल होता है, यहाँ पे दिया है लैम्डा नॉट सिग्मा पार्टिकल होता है,
यहाँ पे दिया है सिग्मा, कैस्केड पार्टिकल होता है जिसका सिंबल है जाई, जिसको हम जाई पार्टिकल भी कहते हैं, एक्स आई, और जो ओमेगा पार्टिकल है वो आता है. ऑल दीज पार्टिकल्स हैव स्पिन हाफ, और ये जो पार्टिकल्स है उसका स्पिन जो है वो हाफ होता है, एक्सेप्ट ओमेगा पार्टिकल विच हैव स्पिन 3/2. ओमेगा पार्टिकल को छोड़ के जिसका स्पिन जो है वो 3/2 होता है. जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, वो टाइप्स है बोजोन्स और फर्मियंस. बोजोन का स्पिन जो है वो इंटीजर होता है, दैट इज 0, 1, 2 सो ऑन, और फर्मियंस का स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल होता है, दैट इज 1/2, 3/2 सो ऑन. जो बोजोन्स है उसको फर्दर डिवाइड किया है मासलेस बोजोन्स और मेसन्स में. मासलेस बोजोन्स का कोई मास नहीं होगा, जिसको टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया है, एक है फोटोन्स और दूसरा है ग्रेविटन्स. और जो मेसन्स है उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, ईटा मेसन्स, पाई मेसन्स और के मेसन्स. पाई मेसन्स को हम पायोन्स भी कहते हैं और के मेसन्स को जो है हम काउंस भी कहते हैं. और जो फर्मियंस है उसको भी फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया है, एक है लेप्टन्स और दूसरा है बारियंस. लेप्टन्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स आता है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है, न्यूट्रिनोस और म्यूनस आता है, जबकि बारियंस में न्यूक्लियंस जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, दैट इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और हाइपरॉन्स आता है. जो हाइपरॉन्स पार्टिकल है उसको फर्दर चार टाइप्स में डिवाइड किया है, लैम्डा पार्टिकल, सिग्मा पार्टिकल, कैस्केड पार्टिकल जिसको हम जाई पार्टिकल भी कहते हैं, और ओमेगा पार्टिकल. इन सारों का जो स्पिन है वो हाफ होता है, एक्सेप्ट ओमेगा पार्टिकल जिसका स्पिन जो है वो 3/2 होता है.